नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का 55वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि जो टीम मुकाबला जीतती वो यहां पर नंबर दो पर फिनिश होती। तो ये कारनामा किया यहां पर दिल्ली कैपिटल ने, और शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हरा कर यहां पर पॉइंट टेबल में अब नंबर दो पर पहुँच चुकी है, और वो नंबर दो पर ही इस आईपीएल को फिनिश करेगी। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फैन के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने गेम को यहां पर 17.3 ओवर से ज़्यादा चला दिया, जिसके चलते अब वो भी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है, यानी कि अब तीन टीमें प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आप भी दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्ले ऑफ में पहुंचने से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ दिल्ली कैपिटल अब नंबर दो पर रहेगी, उनके लिए यहाँ पर क्वालिफायर वन में मुंबई इंडियंस से उनका आमना सामना होगा, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अब नंबर चार पर पहुँचने वाली टीम से मुकाबला होगा, यानी कि अब इस टीम को एलिमिनेटर खेलना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं इस मुकाबले के बारे में, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार अब किस प्रकार से चौथी टीम यहाँ पर प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता दिल्ली कैपिटल के कप्तान सुरेश अय्यर ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और कंगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्जे की घातक गेंदबाजी के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से देवदत्त पड्डीकली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया, 41 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 24 गेंदों पर 29 रनों का योगदान दिया, तो वहीं पर एबी डिविलियर्स ने 21 गेंदों पर 35 रनों का योगदान दिया, और इन खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन के बलबूते पर यहाँ पर टीम निर्धारित 20 ओवर में 152 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर 3 विकेट एनरिक नॉर्जे ने दिए तो वहीं पर 2 विकेट कंगिसो रबाडा ने लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला, यानी कि 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना पाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। लेकिन इस मुकाबले में एक अलग ही टारगेट और था, यहाँ पर दिल्ली को प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए जहाँ पर 134 रन बनाने थे, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए दिल्ली को 17.3 ओवर से ज़्यादा ओवर खिलाने थे। लेकिन ये ऐसा होने में कामयाब हो पाए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी। दिल्ली कैपिटल ने तो यह मुकाबला शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत लिया। टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने शानदार अर्धशतक लगाए, जहां शिखर धवन 41 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं पर अजिंक्य रहाणे ने 46 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली, और दोनों खिलाड़ियों के शानदार अर्धशतक के चलते यहाँ पर टीम ने यह मुकाबला 19 ओवर में ही जीत लिया। अगर ये टीम 9 गेंदे पहले यहाँ पर मुकाबला जीत पाती तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के आईपीएल 2020 से बाहर होने के भी यहाँ पर खतरा रहता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई ये टीम, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी अब प्ले ऑफ में पहुँच चुकी है। लेकिन नंबर दो पर इस समय दिल्ली कैपिटल है, तो नंबर तीन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। वहीं पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्हें प्ले ऑफ में पहुँचना है तो यहाँ पर उन्हें इंतजार करना होगा कल के मुकाबले का। इस मुकाबले में अगर मुंबई इंडियंस सनराइज हैदराबाद को हरा देती तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर सनराइज हैदराबाद बेहतरीन प्रदर्शन करती है और इस मुकाबले को जीत लेती है तो वो यहां पर प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी और नंबर तीन पर पहुंचेगी अगर सनराइज हैदराबाद पहुंचती है। लेकिन फिर भी उन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ एलिमिनेटर खेलना है, इसके बाद एक और यहाँ पर मुकाबला खेलना होगा, जो टीम क्वालिफायर में हारेगी यानी कि दिल्ली और मुंबई में से जो टीम हारेगी उसके साथ खेलना होगा, और फिर उसे भी जीतकर फाइनल में पहुंच सकते हैं। यानी कि अब यहां पर नंबर तीन और चार टीम के लिए फाइनल में पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस आईपीएल के फाइनल में पहुंच पाएगी, या फिर दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस में से ही कोई टीम बाजी मारेगी, या फिर चौथी टीम कौन सी आएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।